और पार्किंग का भी कठोरता से पालन किया जा रहा है। मैंने सुप्रेंड से कहा है कि सफाई के लिए आपको और भी कर्मचारी चाहिए तो लगाएं, ऐसा लगे कि किसी तरह से प्राइवेट हॉस्पिटल में हम आए हैं। और उसमें आम जन से भी ये अपील करूंगा, अब और भी ज्यादा जोश से उठाइए अपनी जिम्मेदारी, शुरू करिए अपना खुद का काम विद क्रूसर प्राइवेट लिमिटेड। प्याजो आपे कार्गो एंड पैसेंजर थ्री व्हीलर टेम्पो अब डीजल पेट्रोल के साथ सीएनजी में भी उपलब्ध। आइए क्रूसर प्राइवेट लिमिटेड, अपोजिट रिलायंस मार्ट, नसीराबाद रोड, बिहारीगंज। किस तरीके की कमियां आज इतने मरीजों को देखने के लिए आया था, लेकिन आने पर पीडियाट्रिक वार्ड देखा, वास्तव में पहले की तुलना में पीडियाट्रिक वार्ड बहुत अच्छी तरह चल रहा है, इसकी व्यवस्थाएं सुधरी भी हैं और पार्किंग का भी कठोरता से पालन किया जा रहा है। मैंने सुप्रेंड से कहा है कि सफाई के लिए आपको और भी कर्मचारी चाहिए तो लगाएं, ऐसा लगे कि किसी तरह से प्राइवेट हॉस्पिटल में हम आए हैं। और उसमें आम जन से भी ये अपील करूँगा कि भाई यहाँ पर इनका हॉस्पिटल की व्यवस्थाओं में सहयोग प्रदान करें, ताकि दोनों हॉस्पिटल के स्टाफ प्लस जन दोनों के सहयोग से ही यहाँ पे व्यवस्था सुधरेंगी। और पहले जहाँ पे ये अपने एम्बुलेंस थी वहाँ पे आज देखा कि काफ़ी ठेले वाले आ गए, तो ट्रैफिक वालों को कहा है कि इसलिए हॉस्पिटल जोन को हॉस्पिटल जोन रहने दें, और जिस पर्पस से एम्बुलेंस हटाई थी उस पर्पस की पालना यहाँ पे कठोरता से की जाए, और कुछ व्हीकल इधर उधर में आम जन से सहयोग कर रहा हूँ, सबको सहयोग करें। और यहाँ पे एक स्वाभिमान भोजनालय, वहाँ पे स्वाभिमान भोज की व्यवस्थाएं, जो जवाहर फाउंडेशन के साथ एक MOU भी हॉस्पिटल के अधिकारियों से कहा है, मेरे से लगभग 2 महीने से इनकी चर्चा हो रही थी, अब MOU हुआ है, यहाँ भी काम चल रहा है। मैंने यहाँ पे ठेकेदार को कहा है और इनके बड़े जो आयोजक करता है उनको भी मैंने आग्रह किया है कि इस काम को थोड़ी तेज़ी लाएं, ताकि हम दिवाली पे इसका शुभारम्भ कर सकें, ताकि निश्चित रूप से अजमेर के हॉस्पिटल के पास रहने वाले लोगों को 1 रुपये में भोजन मिलने का, जो लगातार 2 महीने से इनके हॉस्पिटल और स्वामी इनके जवाहर फाउंडेशन इनसे मेरी चर्चा हो रही थी, आज वो मूर्ति रूप देने की स्थिति में आ गए हैं। मैं समझता हूँ दिवाली से अजमेर के हॉस्पिटल में आने वालों को, चाहे अटेंडेंट होगा चाहे उनके हाथ मिलने वाले होंगे, इन सबको 1 रुपये में भोजन उपलब्ध होगा। यह बहुत बड़ी एक अजमेर की जनता की दिवाली की सौगात होगी। मैं इस अवसर पर अधिकारी दोनों को आग्रह कर रहा हूँ जितने शीघ्र से शीघ्र करें, और आम जन से भी अपील करूँगा, वे जो नए वार्ड बने हैं पुराने, हम सबको सफाई की व्यवस्था रखनी पड़ेगी, चप्पल कहाँ खोलने उसकी व्यवस्था करेंगे, हम सब मिल करके यहाँ की व्यवस्थाओं को सुधारेंगे तो अजमेर जेल है जो